हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आपका मोबाइल जो ये नया जियो फोन है F320B, ये अगर लॉक हो चुका है और इसका पिन कोड आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और आप इसे नहीं खोल पा रहे हैं, इनबिल्ट दिखा रहा है, तो आप लोग इसको हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल बहुत ही जो है हैंग हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम से भी आप लोग किस तरीके से जो है छुटकारा पा सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है गाइस, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर चुका है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपका जो भी सवाल है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और जो जो नए आए हैं चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। सो बिना टाइम के भाई आज के जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो ये मोबाइल है इसका जो ढक्कन खोल लेना है। और इसका जो बैटरी निकाल लीजिए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल है F320B ब्लैक, ठीक है। तो अभी इसे बैटरी को खोलने के बाद फिर से इसे लगाना है, ढक्कन को लगाना है। और लगाने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दो बटन दिखेगा, स्टार और रेड बटन, तो दोनों को जो है एक साथ क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को जो रेड वाला बटन है इसे छोड़ देना है और स्टार वाला बटन जो है इसे आप लोगों को प्रेस करके रखना है जब तक कि ये वाला जो ऑप्शन नहीं आ जाए। एक ऑप्शन आएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो रिसेट का ऑप्शन आएगा, तो वो नहीं आने तक आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना है। तो उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप लोगों को जो ये बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो सिंपली यहाँ पर आइए, आने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो रेड वाला बटन है इससे जो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो और येस का ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को। आप लोग जो येस में क्लिक कर लेना है और ये रेड वाला बटन जो है इसे प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद ये आप लोगों को जो है कुछ देर वेट करना होगा। और ये जो लिखा है आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये जो है रिसेट नहीं हुआ है। आने के बाद आप लोगों को रिबूट वाला सिस्टम है यहाँ पर ही रहने देना है और इसका जो रेड वाला बटन है इसे आप लोगों को प्रेस कर देना है एक बार। तो उसके बाद आप लोगों को बैटरी को नहीं निकालना है, आप लोगों को जो है ऐसे ही रख देना है, ये सिंपली तरीके से जो ऑन हो जाएगा। तो आप लोग कुछ देर वेट कर लीजिए, मैं आप लोगों के साथ लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा। तो इसे ऑन होने के लिए देते हैं, ऑन होने तक आप लोगों को जो इसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है मोबाइल के साथ। तो इसे ऑन होने के लिए देते हैं गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो ये जो रिबूट करने के बाद आपका जो मोबाइल है जो पहले से था जब नए खरीदे थे वैसा का वैसा ही हो जाएगा पहले जैसा था। तो इसे ऑन होने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि कैसा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर DNA या फिर एलो कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसे बाद में करूँगा, एक्सेप्ट करना ही होगा नहीं तो नहीं होगा। तो इसे मैं बाद में करूँगा जो इसका प्रोसेस है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पहला वाला जो लॉक है वो अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं।